सो हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हरप्रीत ब्लॉग्स। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमेशा की तरह स्पाउस ओपन वर्क परमिट कनाडा के अपडेट्स के बारे में, लेटेस्ट पीपीआर के बारे में। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। अगर नए व्यूअर्स हैं चैनल पर तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, टैप करके ही वीडियो को बंद करना, क्योंकि मैं डेली स्पाउस वीजा के ऊपर अपडेट डालता हूं। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी पहली टाइमलाइन के साथ। 19 नवंबर 2021 की फाइल है, सबमिशन कंफर्मेशन उनकी हुई 19 नवंबर 2021 को ही, एंड उसके बाद बायोमेट्रिक्स इनके हुए 20 नवंबर 2021 को, एंड उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट इनको मिली 11 मार्च 2022 को। उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन। मी एंड माई सन गॉट अवर पीपीआर टूडे। एप्लीकेशन डेट है जी 26 अप्रैल 2021। बायोमेट्रिक डेट है जी 26 जुलाई 2021। मेडिकल अपडेट हुआ था इनका 4 नवंबर 2021 को। रिव्यू स्टार्ट हुआ जी इनका 23 नवंबर 2021 को, एंड उसके बाद फाइनली पीपीआर इनको मिली 11 मार्च 2022 को। एंड इन्होंने बताया कि सेम टाइम लाइन फॉर किड विजिटर वीजा, स्पाउस ऑन स्टडी परमिट एंड वैलिड अप टू सितंबर 2023 तक इनके स्पाउस का जो स्टडी परमिट है वो वैलिड है। एंड उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइम लाइन जो 1 मई 2021 की फाइल है। सो मई वाले बहुत लोग कमेंट करते हैं नीचे कि मई की टर्न कब आएगी, तो मई की टाइमलाइन लेकर आए हैं आज। 1 मई 2021 की फाइल है। सबमिशन कंफर्मेशन इनकी हुई 1 मई 2021 को ही। बायोमेट्रिक इनके हुए 1 मई 2021 को, पिछली इनकी रिफ्यूजल होगी तो उनकी जो बायोमेट्रिक है सेम डे में ही अपलोड हो गई। एंड उसके बाद इनको कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट मिली 10 मार्च 2022 को। उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन जो 29 अप्रैल 2021 की फाइल है। 21 जुलाई 2021 को इनके बायोमेट्रिक हुए, मेडिकल अपडेट हुआ था इनका 10 दिसंबर 2021 को, एंड उसके बाद फाइनली इनको अप्रूवल मिली 11 मार्च 2022 को। उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन जो 1 अप्रैल की फाइल है, 10 अप्रैल 2021 की फाइल है। बायोमेट्रिक इनके हुए थे 16 अप्रैल 2021 को, मेडिकल रिक्वेस्ट इनको मिली 1 मार्च 2022 को, एंड उसके बाद मेडिकल इनका जो प्रोवाइड हुआ इन्होंने दिया 5 मार्च 2022 को, एंड फाइनली इनको 5 दिन बाद 10 मार्च 2022 को पीपीआर मिल गई। उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन जो जून की पीपीआर है, जून 9 2021 की फाइल है। सबमिशन कंफर्मेशन हुई इनकी 9 जून 2021 को ही, बायोमेट्रिक इनके 9 जून 2021 को हुए, एंड कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट इनको मिली 11 मार्च 2022 को। उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन जो 23 मार्च 2021 की फाइल है। सबमिशन कंफर्मेशन इनकी हुई 23 मार्च 2021 को ही, एंड उसके बाद बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर इनको मिला 23 मार्च 2021 को, एंड कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट इनको मिली 11 मार्च 2022 को। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन जो 8 फरवरी 2021 की फाइल है। आज डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई है सवेरे, 120 दिन इनको मिले हैं, एंड साथ में इनको मेडिकल रिक्वेस्ट भी मिल गई। सो आप इस पीपीआर से अंदाजा लगा सकते हो कि एम्बेसी कितनी जल्दी अपना काम खत्म करना चाहती है कि डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट और मेडिकल रिक्वेस्ट उन्होंने एक ही साथ में भेज दी। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई है उसमें इनसे मांगे गए हैं नॉक बी की जॉब और 3 पे स्टब्स, बैंक स्टेटमेंट एंड प्लस रिलेशनशिप प्रूफ। जो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन जो मई 2021 की फाइल है, इनको रिफ्यूजल दे दी गई, एंड रीजन है जी आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कैनेडा एट द एंड ऑफ योर स्टे एंड बेस्ड ऑन योर पर्सनल एसेट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटस। तो इनके खुद के और इनकी वाइफ के जो फंड्स हैं उनका रीजन देकर कि आपके पास इतने फंड नहीं है, रिफ्यूजल दे दी गई। उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन गॉट पीपीआर फॉर ए फ्रेंड। टाइमलाइन है जी 11 जुलाई 2021 की फाइल है। सबमिशन इनकी हुई एंड उसके बाद 1 मार्च 2022 को इनको एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट मिली थी जिसमें प्रूफ ऑफ एजुकेशन, कम्युनिकेशन प्रूफ एंड अपडेट फंड इनसे मांगे गए थे, एंड 5 मार्च 2022 को इनको इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, एंड उसके 5 दिन बाद 11 मार्च 2022 को इनको पीपीआर मिल गई। तो गाइस, ये थी हमारी आज की अपडेट। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके जाना। अगर नए व्यूअर्स हो चैनल पर तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, टैप करके ही वीडियो को बंद करना, क्योंकि मैं डेली स्पाउस वीजा के ऊपर अपडेट लाता हूं। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में बहुत सारी पीपीआर के साथ। टिल देन बाय बाय।